दोस्तों, फिर वही शाम, फिर वही दिन, एक नया दिन। हम लोग फिर एक शहर के लिए जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो रीमा यहाँ दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मैकडोनल्ड्स में, और मैकडोनल्ड्स में हम लोग कुछ लेंगे और ये ऑर्डर दे चुके हैं, और हमारा जो फूड वो पैक भी हो चुका है। और उसने रीमा ने कुछ स्पेशल कुछ आइसक्रीम ऑर्डर किया था, नगेट्स किए थे, तो वो बनने में थोड़ा टाइम हुआ लेकिन मिल गया। तो हम पैक करके अब गाड़ी में चल चुके हैं। अब गाड़ी में बैठे हैं हम लोग, और हम लोग का रास्ता लंबा है क्योंकि 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, कहानी ये मुंबई की है कि अच्छा दोस्तों, मैंने इससे पहले लोड किया था लेकिन शायद ताज की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये देखिए, बैंड्रा सीलिंग है, बैंड्रा वाली सीलिंग, और ये पॉश एरिया है मुंबई का, और इसको साउथ मुंबई बोलते हैं। और यहीं अंबानी जी का भी मकान है, सारे अच्छे लोगों का मकान है, और बैंड्रा में शाहरुख का ही मकान है, और सब अच्छे अच्छे एक्टरों का मकान है। और ये हम लोग आ गए हैं ताज होटल। ये ताज होटल है ये मुंबई का। वैसे मुंबई में 3 ताज होटल है, एक बैंड्रा में है, एक कुलाबा में है, और एक एयरपोर्ट में है। तो ये कुलाबा वाला ताज है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया है। जैसे मैंने पहले उसमें बताया था कि ये पहला गेट है जो हिंदुस्तान में एंट्री करने का, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं और इसको बनाया था। तो इधर काफ़ी घूमे, रीमा ने अच्छे अच्छे पोज दिए, बहुत खुश थी। तो कैसा लग रहा है? उसने फोटोग्राफी की और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुश भी है क्योंकि अच्छी अच्छी जगह घूम रही है। और हम लोग जाएंगे ताज में, और क्योंकि ताज में कॉफ़ी पीना हम लोग को, क्योंकि मैडम को कॉफ़ी पीना है, तो सामने ताज है, तो स्टारबक्स यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ताज में जाएंगे। अब हम लोग देखिए, ये लास्ट फोटोग्राफ्स है जो कि बैठ के खिंचा रहे हैं, एंड बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये सब स्टीमर्स एंड बोट्स हैं जो कि घुमाते हैं और अपना मछली पालन भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और बिजनेस भी है। और कुछ बोट यहाँ पे ऐसे हैं, बड़े बोट जो कि यहाँ पे यहाँ से रात को 12 बजे चलते हैं और गोवा पहुँचते हैं सुबह 10-11 बजे गोवा पहुँचते हैं, वो कैसिनो होता है उसमें। और ये देखिए, हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए ताज में आ गए हैं। और एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने कॉफ़ी पिया, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने कुकीज़ मंगा लिए थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कुकीज़ यहाँ के, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो कुकीज़ मंगाए थे मैंने। और रीमा कुछ बोल रही है, मैंने उसको म्यूट कर दिया है। बोल रही है जिंदगी पल देबूदा, आप सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, थैंक यू रीमा बोलने के लिए। तो यही, उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन में, जहाँ हमने अपना डिनर टेबल बुक कराया है, तो दैट इज़ ऑलिव। तो बहुत अच्छा खाना है ऑलिव का, तो वहाँ हमने बुक कराया है। तो दोस्तों, ये कविता जी भी अपना ब्लॉग बना रही हैं, और ये अपने बाल संवार रही हैं। तो लड़कियों की आदत होती है 5-5 सेकंड में बाल को ठीक करना, फिर बाल को आगे करना, फिर बाल को पीछे करना, तो करते हैं। ये मेरा देखिए कुकीज़ आ गया, और बहुत टेस्टी है ये, और मैं आपको खा के ही बताऊँगा, टेस्ट लाजवाब है इसका। और कॉफ़ी देखिए, रीमा को 1 दिल मिला है कॉफ़ी में, और देखो मैडम के कॉफ़ी में 2 दिल हैं, तो 1 दिल मेरे लिए, 1 दिल मैडम के लिए है, तो उसने स्पेशली बना के दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ का जो शेफ़ है वो अच्छी तरह जानता है, और क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, एंड इन्होंने चेयर्स किया कॉफ़ी को, और उसके बाद एक सिप लिया। क्या मज़ा दे रहा है, वाह 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 वाह। ये देखिए मैडम, शुगर, ब्राउन शुगर, ये देखिए मैं खा रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। कभी भी आप ताज आए तो ज़रूर ये कुकीज़ आप ट्राई करना, और कॉफ़ी तो बहुत उम्दा कॉफ़ी होती है यहाँ की। तो एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी, मैं मिल्क कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, चाय का मैं शौकीन हूँ, मैं 2 चाय पीता हूँ, तो वही ऐसा ही है। और अब हम लोग चलेंगे, ये हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया। तो रीमा बोल रही थी पियानो के पास जाना है, पियानो के पास जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। तो रीमा को मैं फिर पियानो के पास लेके गया, और रीमा वहाँ बैठी पियानो के पास, और थोड़ा सा उसने फ़ोटोग्राफी की, एंड फिर हम लोग निकल गए। ये मैरिन ड्राइव है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है रात के रोशनी में, और मुंबई बिल्कुल। किसी से अगर इश्क करना तो खुदा की तरह करना,
सदियों गम सहते रहना पर आवाज ना करना, किसी से अगर इश्क करना तो खुदा की तरह करना, सदियों गम सहते रहना पर आवाज ना करना, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, समझ के ही करना है, समझ के अगर करना है, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, समझ के अगर करना है तो इश्क ना करना, तो ये दीपेंद्र है मेरा बचपन का दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक प्लीज सब्सक्राइब।